सर ये जनरल बोगी में सफाई नहीं हो पा रही है। आ रही है, दिखाओ उनको तस्वीर, दिखाओ मंत्री जी को, मंत्री जी को थोड़ा तस्वीर दिखाओ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हालत है वो जनरल बोगी का, जिसकी करोड़ों। नमस्कार, मैं नीलेश वर्मा और आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। अभी मैं पवन एक्सप्रेस में हूँ, 1161 अभी मैं गाड़ी में हूँ जो कि मुंबई से चल के जयनगर को जाती है। और अभी इस बोगी की इतनी गंदी हालत है कि जब मैंने सुपरवाइजर से बात किया तो वो बोल रहे हैं कि जनरल बोगी की सफाई की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, बल्कि यहाँ गंदगी की मैं बात करूँ बड़ी घिन आ रही है। पर उस अधिकारी से, उस DRMO ऑफिस में सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब जनरल बोगी के हजारों सैकड़ों इसमें लोग बैठे हैं, क्या वो लोग टैक्स नहीं जमा करते हैं? क्या वो लोग टिकट नहीं कटवाते हैं? बल्कि यहाँ एकदम स्थिति जो देखें तो बुरी हालत है। बट इसके चलते पूरी इस बोगी में देखूँ तो लगातार वो बोगी जो है गंदगी से भरी हुई है, और इसकी सफाई की जो जिम्मेदारी है वो किसी की नहीं है, बल्कि इधर तस्वीर दिखाओ, बड़ी बदबू आ रही है, दिखाओ उनको तस्वीर। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हालत है वो जनरल बोगी का, जिसकी करोड़ों रुपए लागत लगाकर यात्री पैसा देते हैं और अपनी यात्रा करते हैं, बल्कि ये पूरी सीट भरी हुई है। बल्कि हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या अधिकार होता है कि क्या आम जनता के लिए जो रोए वो आम जनता रोएगी? क्या सफाई कर्मचारी यहाँ से क्यों लापता हैं, जो कि मेन सीनियर है वो कह रहे हैं कि हमारी जनरल बोगी की सफाई की जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि इससे ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, आगे छपरा के हेड ऑफिस में बात करेंगे, बल्कि उनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ बने रहिए, पूरी न्यूज आपको लाइव। कैसी रही है, कहाँ से आ रहे हैं? हमारे हैं नासिक से। नासिक से सफाई कर्मचारी कितने बार आए हैं इस बोगी में? वो साहब हम नहीं देखे। हाँ नहीं देखे। कहाँ से आ रहे हैं? मैं थाने से आ रहे हैं। अच्छा, सफाई कर्मचारी देखे हैं? नहीं देखे हैं। ये गंदगी सही लग रही है? नहीं, थोड़ा भी सही नहीं लग रहा है, है? थोड़ा भी सही। कहाँ से आए हैं? हम तो आ रहे हैं बनारस से। अच्छा जी सर, तो बनारस से आ रहे हैं, सफाई नहीं हुई है, कहाँ जाना है? हमको जाना है दरभंगा। अच्छा, दरभंगा जाएंगे जी। बहुत बहुत गंद फैला हुआ है, इस बाथरूम में भी पूरा भरा हुआ है, और सफाई वाले भी नहीं आता है। जी, सफाई वाले भी नहीं आता है? नहीं आता है। ये थोड़ा शर्मिंदे लोग जो हैं कर्मचारी, टिकट कटवाए हैं ना? जी टिकट कटवाए हैं सभी लोग लगभग, मुझे उम्मीद है कि टिकट कटवा के इस यात्री करते होंगे, क्योंकि चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है। बल्कि मैं वो टॉयलेट नहीं दिखाऊंगा, इतना गंदा टॉयलेट है कि शर्म आ रही है कि ये भी कहने में कि भारत सरकार, स्वच्छ भारत का जो नारा चल रहा है वो प्रधानमंत्री जी आप कहाँ चला रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हुए मैं अभी DRMO ऑफिस फ़ोन करूँगा, बल्कि सफाई कर्मचारी जो है वो कहाँ है इसकी सूचना हमको मिलेगी तो मैं ज़रूर आपके पास दूंगा। मैं सर ये जनरल बोगी में सफाई नहीं हो पा रही है जी। ट्रेन नंबर जानते हैं ओके आप? सर 1161 पवन एक्सप्रेस है जो दर मुंबई से चल के जयनगर तक जाती है। 1161 जी। जी सर नाम जान सकता हूँ? नाम क्या जी? मेरा नाम नीलेश वर्मा पड़ेगा सर। नीलेश वर्मा जी, उसके प्लाइंट पड़ रहे हैं, आपकी कंप्लेंट की जा रही है जी। साइन बताने में सुन पा रहे अपने जी? सर आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर दी गई है, कंप्लेन करता नंबर आपके द्वारा प्राप्त करा दिया गया होगा, नंबर शाम बात कर रहे हैं जी। तो आप थोड़ा समय देंगे, आपको जल्दी शायद जाएंगे। सर कितना टाइम लगेगा? जल्दी जाएंगे आपको जी, जल्दी बात कराइए। धन्यवाद जी। रुपए लागत लगाकर यात्री पैसा देते हैं और अपनी यात्रा करते हैं, बल्कि ये पूरी सीट भरी हुई है। बल्कि हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या अधिकार होता है कि क्या आम जनता के लिए जो रोए वो आम जनता रोएगी? क्या सफाई कर्मचारी यहां से क्यों? रिपोर्टिंग बलिया जय।